everybody. I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at LearnoHub.com. Which of the following groups contain only biodegradable items? तो biodegradable items कौन सी होती हैं? ये वो items होती हैं या ये वो substances होते हैं जो कि nature में degrade हो जाते हैं, ठीक है? Nature में किससे? जो भी decomposers हैं, microorganisms हैं, वो इनको decompose कर देते हैं और ये harmless substances में convert हो जाते हैं, ठीक है? और दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि नेचर में डिग्रेड नहीं होते हैं, उनको डिग्रेड होने के लिए बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं, या तो वो डिग्रेड होते ही नहीं है और वो हमारे एनवायरमेंट को टॉक्सिक भी करते हैं, टॉक्सिक गैसेस भी रिलीज करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होते हैं, राइट? तो इनमें से कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं जिनमें बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं? सबसे पहले है ग्लास, फ्लावर, लेदर। तो क्या ये बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं? तो यस है। ग्रास भी बायोडिग्रेडेबल है, फ्लावर्स भी हैं और लेदर क्या है? लेदर भी एनिमल स्किन होती है, राइट? सो दीज आर बायोडिग्रेडेबल। देन ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक। तो इसमें ग्रास और वुड तो बायोडिग्रेडेबल हैं, लेकिन प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है? सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब देखते हैं सी ऑप्शन, फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस। तो फ्रूट पील्स तो छिलके सब्जी के हों या फिर फ्रूट्स के हों, ये सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं। केक्स क्योंकि ईटेबल है, जो चीजें हम खा सकते हैं उन्हीं चीजों से बना है, तो ये भी डिग्रेड हो जाता है। और लाइम जूस, नींबू का पानी, ठीक है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। देन केक, वुड एंड ग्रास। तो केक बायोडिग्रेडेबल है, वुड बायोडिग्रेडेबल है, ग्रास बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है? सो ए, सी एंड डी, ऑल दीज थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। लेट्स सी आर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। तो इसमें फूड चेन हमें किस में देखने को मिल रही है? फूड चेन मतलब, फूड चेन का मतलब ये हुआ कि जैसे ए है उसको बी खा सकता है, बी को सी खा सकता है, सी को डी खा सकता है, तो ये एक फूड चेन हो गई। तो ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में फूड चेन देखने को मिल रही है? तो सबसे पहले है ग्रास, तो इसका मतलब ग्रास को वीट खाएगा, तो नो दिस इज नॉट करेक्ट, और उसको मैंगो खाएगा, तो इसमें कोई फूड चेन नहीं है, ठीक है? ये सारे के सारे प्लांट्स ही हैं। उसके बाद ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। तो ग्रास को गोट खाएगी और ह्यूमंस जो है वो गोट को खाते हैं, ठीक है? तो इसमें हमें फूड चेन देखने को मिल रही है। उसके बाद हम आते हैं सी ऑप्शन पे, गोट, गोट को खाएगी काओ, काओ को खाएगा एलिफेंट। तो नहीं, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल आर हर्बीवोर्स, सो दिस इज रॉन्ग। देन ग्रास, फिश एंड गोट। तो इसका मतलब है कि ग्रास को फिश खाएगी, तो फिश ग्रास नहीं खाती है, ठीक है, वो हर्बीवोर नहीं है, और जो गोट है वो हर्बीवोर है, तो वो फिश नहीं खाएगी। सो दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ग्रास जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है। उसके बाद गोट जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, और ह्यूमंस जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है? अब जब मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, इसका वन और डिग्री लगा रही हूं, इट मींस प्राइमरी, ठीक है? जब मैं टू के ऊपर डिग्री लगा रही हूं, सो इट मींस सेकेंडरी, ठीक है? उसके बाद अगर मैं थ्री के ऊपर डिग्री लगाऊंगी तो इसको बोलेंगे टर्शरी, ठीक है? ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स होती है, तो मैंने सोचा मैं वहां लिख रही थी तो मैं आपको बता दूं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट
फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो इनमें से हमारे पास चार ऑप्शंस हैं आपको बताने कि इनमें से कौन सी प्रैक्टिसेस जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं इससे हमारे एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं होगा। जैसे प्लांटिंग ट्रीज, ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है, आप एनवायरमेंट को क्लीन रख रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो सस्टेन करने के लिए, ठीक है। वैसे ही लीकिंग पाइप्स को मतलब रिपेयर कराना, या पानी कहीं लीक हो रहा है तो उसको बंद करना, ये सारी की सारी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज कैरिंग क्लोथ बैग्स टू पुट परचेजेस इन व्हाइल शॉपिंग, ठीक है। तो ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है। तो इसका मतलब है कि आप क्लॉथ बैग लेके जा रहे हो जो कि रीयूजेबल है ना, उसको आप रीयूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर प्लास्टिक, ठीक है, या फिर पेपर वेस्ट को जनरेट नहीं कर रहे हो। प्लास्टिक को क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आपने यूज किया फेंक दिया, ये डिग्रेड नहीं होगा और ये हमारे एनवायरमेंट को टॉक्सिक बनाएगा। उसके बाद पेपर की प्रोडक्शन की वजह से ट्रीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर है और डिफॉरेस्टेशन होती है। तो कैरिंग अ क्लॉथ बैग विच कैन बी रीयूज्ड is an environment friendly practice, okay? Then switching off unnecessary lights and fans. तो अगर आप मान लो किसी कमरे में अभी बैठे हो, आप वहां से उठ के चले गए और आप लाइट्स और फैंस ऑफ कर दो, तो वो भी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है, क्योंकि उससे नेचर के ऊपर जो एक प्रेशर है वो कम होता है। लाइट कैसे बनती है? कोल से बन रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा आ रहा है कोल बहुत कम रह गया है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, ठीक है, ये काफी टाइम से चल रहा है, कोल स्कार्सिटी हो गई है। और दूसरी तरफ डैम्स बनाए जाते हैं जिनमें पानी को रोका जाता है और फिर उस पानी को प्रेशर से फेंक के उस पर लाइट बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए जो पहाड़ है उनमें टनल्स बनाई जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही लेंथी एक्सप्लेनेशन है जो मैं नहीं देना चाहूंगी अभी। तो अगर आप लाइट्स और फैंस ऑफ करते हो तो अननेसेसरी जो एनवायरमेंट पे प्रेशर है, जो ह्यूमन पे प्रेशर लाइट जनरेट करने का, वो कम होता है, ठीक है। उसके बाद वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन अ स्कूटर, कि अगर आपका स्कूल पास में ही है तो आप वॉक करके चले जाओ स्कूल, ठीक है, इससे राधर देन कि आपकी मामा आपको स्कूटर पे छोड़े। तो अगर पास में है सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन वॉक टू योर स्कूल एंड कम बैक बाय वॉकिंग ओनली, ठीक है। दिस इज अगेन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस, क्योंकि स्कूटर किससे चलेगा? स्कूटर चलेगा पेट्रोल से, और पेट्रोल के लिए किस पे प्रेशर है? फॉसिल फ्यूल्स पे, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दैट इज डी, क्योंकि सारे के सारे ऊपर वाले ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल। तो एक ट्रॉफिक लेवल में अगर हम सभी ऑर्गेनिजम्स को मार दें, ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सी फूड चेन बनाएंगे, ठीक है। ग्रास है, ग्रास को खाया गोट ने और गोट को खाया लायन ने, बस हम इतनी सी ही बनाएंगे, इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में होते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ फूड चेन, राइट। इस फूड चेन का हर एक स्टेप दैट इज अ ट्रॉफिक लेवल। तो ये जो ग्रास है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, गोट जो है ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे है, और लायन जो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है। तो ये सब एक एक ट्रॉफिक लेवल पे हैं। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिजम्स को मार दो तो क्या होगा, तो उससे बहुत कुछ होगा। अब मान लो यहाँ पर हमारे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर है गोट, तो हमने क्या किया कि गोट को ही एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? सबसे पहली बात, गोट क्या कर रही थी? गोट खा रही थी ग्रास, ठीक है। तो इससे जो ग्रास की पॉपुलेशन थी वो भी सही चल रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि सब जगह बस घास ही घास है, उसको खाने के लिए हर्बीवोर्स थे, है ना, तो वो खा रहे थे। लेकिन क्योंकि यहां से हमने उस हर्बीवोर को ही हटा दिया, हमने गोट को हटा दिया, तो ये जो ग्रास है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा,
ठीक है, इसका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब हर जगह घास ही घास मिलेगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, गोट को कौन खा रहा था, लायन खा रहा था। अब ये प्रोड्यूसर है, ये हर्बीवोर है और ये कार्निवोर है। अब लायन ऐसा नहीं है कि गोट नहीं है तो वो घास खाना शुरू कर देगा, उसका जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो तो गोट से ही पूरी होंगी। तो वो क्या करेगा, लायन जो है वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको गोट ही नहीं मिलेगी। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से सारे के सारे हर्बीवोर्स खत्म हो गए, सारी की सारी गोट्स खत्म हो गई, तो लायन को खाना नहीं मिलेगा, तो ये जो लायन की पॉपुलेशन है ये डिक्रीज हो जाएगी और धीरे धीरे सभी लायंस मरने लग जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स द फूड चेन। सबसे पहले देर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द नेक्स्ट लेवल। अब ग्रास तो बढ़ता ही जा रहा है, ग्रास से एनर्जी जाएगी किसको, गोट को, है ना। तो अब यहां से इधर एनर्जी नहीं गई तो आगे भी कैसे जाएगी, थर्ड ट्रॉफिक लेवल तक भी एनर्जी नहीं पहुंचेगी। तो फूड सप्लाई ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल विल स्टॉप। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से दूसरे को एनर्जी नहीं जाएगी, यहां तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल तक भी खाना नहीं जाएगा और उनको भी एनर्जी नहीं जाएगी। और ये वाला जो लेवल है ये बहुत क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा और ये बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। देन इंक्रीज इन पॉपुलेशन एट वन लेवल, जो कि यहाँ हम ग्रास में देख रहे हैं। देन एनिमल्स इन द हायर लेवल विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड, जो हमने लायन के केस में डिस्कस किया। डिस्टर्बेंस और इम्बैलेंस इन द फूड चेन, तो जो हमारी पूरी की पूरी फूड चेन है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, will the impact of removing all organisms in a trophic level be different for different trophic levels? कि अगर हम एक organism को remove कर देते हैं किसी trophic level से तो अलग अलग trophic levels पे उनका अलग अलग effect होगा। ठीक है, तो इसका answer है yes। हमने last question में भी discuss किया, मान लो कि हमने second trophic level से ऑर्गेनिज्म को हटा दिया तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का क्या होगा, एकदम बढ़ जाएंगे वो, उनकी अनचेक्ड ग्रोथ हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगी। और वहीं पर जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, उसमें क्या होगा, वो मरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनका खाना बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स। नाउ कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम, कि हम किसी भी लेवल से कोई भी ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दें और हमारे इकोसिस्टम पर कोई इफेक्ट ना हो, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर था यस और इसका आंसर है नो। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों। सबसे पहले फर्स्ट में अगर मान लो ये हमारी एक फूड चेन है जिसमें ग्रास है, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है। अब अगर ऐसा हो जाता है कि हम यहाँ से हर्बीवोर्स को हटा देते हैं तो क्या होगा कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं इनकी जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये बढ़ते ही जाएंगे और इनको खाने वाला कोई नहीं है। और दूसरी तरफ कार्निवोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, कार्निवोर्स जो है वो मरते जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ फूड, राइट। अब अगर आप इसमें देखो, अगर आप ग्रास को हटा दो, अब तो ग्रास को हटाने से क्या होगा, प्रोड्यूसर को आपने हटा दिया तो हर्बीवोर के पास खाना ही नहीं बचा खाने को, क्योंकि वो तो सिर्फ प्लांट्स को खाता है, उसके पास खाना नहीं बचा। तो यहां पर जो हर्बीवोर्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी ड्यू टू व्हाट, लैक ऑफ फूड, है ना। और अगर ये मरते जाएंगे तो कार्निवोर्स भी मरते जाएंगे क्योंकि उनके पास भी खाना नहीं बचेगा, या तो हर्बीवोर्स कहीं माइग्रेट कर जाएंगे तो भी यहाँ वाले कार्निवोर्स मर जाएंगे। तो बेसिकली जो इकोसिस्टम है ना वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा उस पर्टिकुलर जगह का, है ना। अब वैसे ही अगर हम बात करें कार्निवोर्स की तो क्या होगा, अगर कार्निवोर्स हम हटा देंगे तो हर्बीवोर्स जो है उनको खाने वाला कोई नहीं बचेगा, वो नंबर में इंक्रीज करते जाएंगे, बहुत सारे बढ़ते जाएंगे, और उससे जो ग्रास की पॉपुलेशन है, जो प्लांट्स हैं हमारे, वो कम होते जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा ग्रास पे और ये पूरा पूरी तरह पूरा का पूरे प्लांट्स को खत्म कर देंगे और खाना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर इन पे भी इफेक्ट आएगा और हर्बीवोर्स भी मरना शुरू हो जाएंगे,
ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो फर्स्ट का आंसर है कि अगर हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल से कोई भी ऑर्गेनिज्म को हटाते हैं तो उसका हर ट्रॉफिक लेवल पे अलग अलग फर्क पड़ता है। सो यस राइट। उसके बाद है कि अगर हमें, अब मान लो मैंने यहाँ पर डिकम्पोजर्स भी लिखा है, क्यों लिखा है, अब एनिमल्स मर रहे हैं, प्लांट्स मर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जब जमीन में हम उनको गाड़ देते हैं तो वहां पर डिकम्पोजर्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनके ऊपर एक्ट करते हैं और उनकी बॉडी से पूरी तरह उसको डिकम्पोज कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी बॉडी में वो सारे के सारे रिलीज कर देते हैं सॉइल में। तो इससे क्या होता है, इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, वो क्या करती है, वो इंक्रीज होती है। कौन करता है, डीकम्पोजर्स, ठीक है, डीकम्पोजर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, राइट, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये इस डेड मैटर पे फीड करेंगे, उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सॉइल में रिलीज कर देंगे, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और इससे इकोसिस्टम का बैलेंस भी एकदम सही बना रहेगा। लेकिन अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को से, हमने डिकम्पोजर्स को ही हटा दिया, तो वो एनिमल्स डिग्रेड नहीं होंगे, जो हमारी लैंड है इट विल बी फुल ऑफ पाइल्स ऑफ डेड बॉडीज, है ना, मतलब ढेर लग जाएंगे डेड बॉडीज के, वो डिकम्पोज नहीं होंगी और वो बहुत ही स्टिंकी एटमोस्फेयर हो जाएगा रहने के लिए। तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम हटाते हैं तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो जरूर होता है इकोसिस्टम पे। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसको हम ऐसे बायो मैग्निफिकेशन भी लिख सकते हैं। विल द लेवल्स ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है और क्या जो लेवल है मैग्निफिकेशन का, ये हर एक लेवल पे अलग होता है या नहीं। तो सबसे पहले बायो मैग्निफिकेशन क्या है, ये प्रोग्रेसिव इंक्रीज है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द फूड चेन। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हमारी फूड चेन में एंटर हो जाते हैं, जो कि डिग्रेड नहीं हो सकते थ्रू डिकम्पोजर्स, उनका प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता रहता है हमारी फूड चेन के अंदर। जैसे ही ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाता है तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है, दैट इज कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। तो अगर हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तो जो फर्स्ट लेवल में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की या कॉन्सेंट्रेशन होगी फूड चेन में वो बहुत ही कम होगी और थर्ड लेवल तक जाते जाते वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। सो एज देयर इज एन इंक्रीज इन मैग्निफिकेशन एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम, ऑल द अदर लेवल्स गेट अफेक्टेड एंड द कॉन्सेंट्रेशन may vary when it is compared with the first trophic level. तो जैसे जैसे successive ऊपर को हम जाते जाएंगे trophic levels में ecosystem में, तो जो bio magnification है वो होती जाएगी, ठीक है, concentration बढ़ती जाएगी और जब हम उस concentration को compare करेंगे first level की concentration से तो वो फर्क होगा, ठीक है, या हो सकता है। Okay, so I hope this is clear. Question number 7. What are the problems caused by non-biodegradable wastes that we generate? तो क्या क्या problems होती हैं non-biodegradable waste से जो कि हम generate करते हैं, तो उससे बहुत सारी problems होती हैं। सबसे पहली बात है कि non-biodegradable waste वो है जिनको microorganisms degrade नहीं कर सकते हैं and they take sometimes millions of years to degrade, ठीक है। तो अब
जो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमें इससे, तो सबसे पहली बात है कि क्योंकि ये डिग्रेड नहीं हो रहा है सब्सटेंस, ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो डंपिंग एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि जैसे मान लो आपके वेजिटेबल पील्स हैं या फ्रूट पील्स हैं, वो आप एक जगह आपने डंप कर दिए, तो कुछ देर दिन बाद आप देखोगे ना तो वो डिग्रेड हो चुके होते हैं, उनसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज होके सॉइल में आ चुके होते हैं, ठीक है, वो ह्यूमस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, बिल्कुल मिट्टी जैसा हमें लगने लगता है। तो उस केस में ना डंपिंग जो है ना वो इश्यू नहीं होता है, आप कहीं भी डंप कर दो थोड़े टाइम बाद वो डिग्रेड हो ही जाएगा। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है कि डंपिंग एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, क्योंकि एक डंपिंग एरिया चाहिए जो फिर किसी काम नहीं आएगा, वहां प्लांटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का टेक एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक, बहुत सारा प्लास्टिक है आपने एक जगह फेंक दिया, अब सबसे बड़ी बात कि अब ये जो एरिया है ना ये किसी काम का नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट है वो डिग्रेड नहीं होगा और ये सॉइल को इनफर्टाइल भी कर देगा, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी रिमूव कर देगा, तो वो एक एरिया जो है वो बस ऐसे गंदा सा पड़ा रहता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि बहुत सारा वेस्ट यहाँ पर डंप हुआ है। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंटर द फूड चेन इन अपर ट्रॉफिक लेवल्स, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो फूड चेन में भी एंटर हो जाता है इन द अपर ट्रॉफिक लेवल्स, मतलब वो हर एक जो ट्रॉफिक लेवल है वहां पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो पहुंच जाता है, जो कि हमने क्या पढ़ा था अभी, बायो मैग्निफिकेशन, राइट। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मे एस्केप टू द ग्राउंड वाटर, ठीक है, अब हो सकता है कि वो सीप इन हो जाए इनटू द ग्राउंड वाटर, तो इससे हमारा ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो गया, तो जो अब हम पानी पियेंगे दैट विल बी अ कंटेमिनेटेड वाटर। देन दिस कॉजेज सॉइल इनफर्टिलिटी, एक तो इससे सॉइल इनफर्टिलिटी होगी और सॉइल की जो पीएच है वो भी खराब होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था। Then animals, birds, plants and humans, they all are severely affected. कई बार देखा होगा कि कुछ जानवर हैं वो प्लास्टिक खा जाते हैं, पीछे जैसे बहुत सारी न्यूज आती थी, मतलब आई सॉ वन न्यूज जिसमें कि एक देयर वॉज अ शार्क और देयर वॉज अ डॉल्फिन और व्हेल, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो उन बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो मतलब पानी में, क्योंकि प्लास्टिक फेंक देते थे तो वो सारा का सारा जो वेस्ट है वो कौन किसके अंदर जा रहा था, वो उन फिशेस के अंदर जा रहा था, और दैट फिश डाइड ड्यू टू चोकिंग, चोक होकर किसकी वजह से, वो जो वेस्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसकी वजह से चोक होके वो मर गई, ठीक है। सो दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसी चीज यूज ना करें जितना हो सके जिससे कि हमारे आसपास नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जेनरेट हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ ऑल द वेस्ट वी जेनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, तो अब हम जितना भी वेस्ट जो है जो जेनरेट कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल हो तो क्या इसका ये मतलब है कि एनवायरमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, तो उसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका इम्पैक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जो इम्पैक्ट है एनवायरमेंट पे वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इफेक्ट्स ऑफ टू मच ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेशन, कि अगर अब हम बहुत ज्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं तो इससे सबसे पहली बात है कि जो डीकम्पोजिशन है वो इतनी फास्ट तो होती नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो स्लो प्रोसेस है, तो एक तो वो स्लो है तो कुछ टाइम के लिए तो वो आपको पाइल तो दिखेगा, ठीक है, कूड़े कचरे का ढेर। उसके बाद जो अनप्लेजेंट स्मेल है वो भी बहुत, अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज कर रहे हैं तो उससे एक अनप्लेजेंट सी स्मेल प्रोड्यूस होती है, और जब इसी स्मेल को ह्यूमंस इनहेल करते हैं तो ह्यूमंस को हार्मफुल होती है वो गैसेस। देन इट लीड्स टू रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इससे जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब
डीकम्पोज होता है उससे बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज मतलब बढ़ती हैं एयर में, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग. देन डंपिंग साइट्स माइट बिकम ब्रीडिंग प्लेस फॉर मस्कीटोज फ्लाइज विच कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स. तो जो भी डंपिंग साइट्स हैं, ठीक है, वहां पर सब कुछ फिल्थी होगा, ठीक है, ऐसे गंदा गंदा सा होगा, तो दैट साइट इज बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ मस्कीटोज एंड फ्लाइज. और हमें पता है कि ये जो मस्कीटोज हैं और फ्लाइज हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस के कैरियर हैं, तो इससे भी ह्यूमंस को बहुत हार्म होता है. देन इम्प्रॉपर डिस्पोजल लीड्स टू क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स. जब हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं अपना वेस्ट, तो इससे जो हमारे ड्रेन्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. बहुत ही सिंपल है, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल से ज्यादा है, बट अगर हम बहुत ज्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी जनरेट कर रहे हैं, उससे भी बहुत ही उसके भी काफी साइड इफेक्ट्स हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज. तो सबसे पहले कि जो ओजोन लेयर का जो कम होना है, ठीक है, ओजोन लेयर का जो डैमेज होना है वो हमारे लिए एक कंसर्न क्यों है, और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इस डैमेज को थोड़ा कम कर सके. तो ओजोन लेयर जो है ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो अर्थ के एटमोस्फेयर में एंटर ना हो जाए. ठीक है, तो ये ओजोन लेयर कहां पर है, ये है स्ट्रेटोस्फेयर में, राइट. अब ओजोन, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ओजोन लेयर जब एंटर होती है अर्थ के एटमोस्फेयर में, तो उससे होता क्या है. जो एक्सपोजर है ओजोन लेयर का, उससे स्किन कैंसर होता है ह्यूमंस में. दूसरा, इट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसकी वजह से सबको खाना मिल रहा है, सारे हर्बीवोर्स को, और हर्बीवोर्स को खाना मिल रहा है तो कार्निवोर्स को खाना मिल रहा है, तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये अफेक्ट होता है प्लांट्स में. देन इट डिस्ट्रॉयज प्लैंक्टन्स एंड डीकम्पोजर्स. तो प्लैंक्टन्स और डीकम्पोजर्स, वो डीकम्पोजर्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्ट करते हैं, उनको डीकम्पोज करते हैं और उससे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन अल्ट्रा वायलेट रेज से. देन इट डेवलप्स आई डिजीजेस लाइक कैटरैक्ट. तो आईज की जो डिजीजेस होती हैं, जैसे कि कैटरैक्ट, ये भी होती है बिकॉज ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट. देन इट डैमेजेस क्रॉप्स. तो अगेन इट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस, सो इट डैमेजेस क्रॉप्स. ठीक है, सो ये सारे अफेक्ट्स हैं अल्ट्रा वायलेट रेज के. कैसे अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो हमें अफेक्ट करती हैं. तो अब हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इस डैमेज को कम करें. सबसे पहले हमें जो व्हीकल्स का यूज है उसको कम करना होगा. ठीक है, अब अगर हम इसको पूरा देखें, तो व्हीकल्स का जो यूज है उसको कम करेंगे, तो इससे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कम बर्न होंगे. ठीक है, उससे कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगी और उसे ओजोन लेयर डैमेज नहीं होगी. तो जो मेन रीजन है, जो मेन एयर पॉल्यूटेंट है जिससे ओजोन लेयर डैमेज होती है, दैट इज CFC, दैट इज क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स. ठीक है, तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, ओके, तो दिस इज CFC, ये जो है दिस इज द मेजर रीजन फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन. तो इट लिमिट्स, वी शुड लिमिट द इक्विपमेंट्स जो कि CFCs बनाते हैं. CFCs मेजरली कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, थ्रू द रेफ्रिजरेटर्स. तो अब जो कंपनीज हैं, ACs हैं और रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनसे CFCs रिलीज होते हैं. तो अब जो भी रेफ्रिजरेटर्स बनाने वाली कंपनीज हैं, वो इस चीज पे मेन फोकस कर रही हैं कि कैसे हम रेफ्रिजरेटर्स को CFC फ्री बनाएं, कि हमें CFC जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनसे CFC रिलीज हो ही ना.
ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू टू लिमिट द डैमेज टू द ओजोन लेयर. तो अगर ओजोन लेयर डैमेज नहीं होगी तो अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं आएगी और ये सारी प्रॉब्लम्स, स्किन कैंसर, आई डिजीजेस, देन प्लांट में फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट, डीकम्पोजर्स का डिस्ट्रॉय होना, ये सब कुछ बच जाएगा और इससे हम सबको ही फायदा होगा. ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए फ्रॉम द चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, तो आई होप आपको वो सभी के सभी क्लियर हुए होंगे. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में और तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.